साहब? गरियाबंद के बिंद्रानवगढ़ से भाजपा विधायक डमरूधर पुजारी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार की कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ नीति को फ्लॉप बताया है। उन्होंने कांग्रेस की बिजली बिल हाफ नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों का बिल तो हाफ नहीं हुआ है, मगर बिजली में कटौती और घरों के कनेक्शन काटने की रफ्तार सरकार ने जरूर दोगुनी कर दी है। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है। 5 साल बाद सरकार को जनता के दरबार में जब इसकी हिसाब देना पड़ेगा तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कांग्रेस सरकार ने 2018 में चुना हुआ था कि किसानों का कर्जा माफ और बिजली हाफ, और अभी क्या बिजली हाफ नहीं, बिजली साफ कर रहे कांग्रेस सरकार। जो नियम निकल रहा है गांव गांव जाके पूरे काट रहे, बाद में ये करते हैं नहीं बढ़ाने से उसको करेंगे क्या।